अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो इसलिए कि ये जो टॉपिक है वो अमूमन डिस्कस तो नहीं किया जाता है, लेकिन मैंने इससे पहले भी अपनी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि हम अपने जब भी कोई प्लांट लगाते हैं तो उस प्लांट के साइड में यानी पॉट में दूसरे बहुत से प्लांट्स निकल आते हैं, छोटे छोटे से प्लांट्स निकलने शुरू हो जाते हैं जिन्हें अमूमन हम फेंक देते हैं। या फिर ये कि जब हम अपने नर्सरी से कोई प्लांट लाते हैं तो कभी कभी उसके अंदर छोटे छोटे से प्लांट्स निकले हुए होते हैं जिन्हें अमूमन हम बाद में उखाड़ के फेंक देते हैं, या फिर हम प्लांट में जब कंपोस्ट डालते हैं या कोई भी फर्टिलाइज़र डालते हैं या मिट्टी तब्दील करते हैं तो उनमें बहुत से छोटे छोटे नए नए प्लांट्स निकलते हैं। और ज़ाहिर बात है, हम कुछ को पहचान लेते हैं, कुछ हम पहचानते नहीं हैं, लेकिन हम सारे ही छोटे छोटे प्लांट उखाड़ते हैं इसलिए कि वो अमूमन एनर्जी सक कर लेते हैं हमारे प्लांट्स के लिए, जो हम एनर्जी प्लांट्स के लिए हम चाहते हैं। तो मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स निकलते रहते हैं, लेकिन मैं उन प्लांट्स को नहीं उखाड़ती हूँ। और इस पर मैंने आपको अक्सर बताया भी है कि उन प्लांट्स को उखाड़ना नहीं चाहिए, तो चेक कर लें थोड़ा सा कि हो सकता है वो प्लांट कोई अच्छा प्लांट हो, सीड गिर गया हो, पुराना कोई सीड हो, या जिस नर्सरी से हम ले कर आए हैं या जो हमने मिट्टी चेंज की है उसमें सीड बाज़ औक़ात पूरे साल रखे पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही सीज़न आता है उनमें वो प्लांट्स निकलने शुरू हो जाते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगी कि आप देखें, मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो बड़े खूबसूरत हैं और कुछ के नाम मैं जानती नहीं हूँ, कुछ को मैं पहचान गई। जैसे कि आपको दिखाऊं, ये देखें, ये जो मेरा प्लांट है चंपा का, और चूँकि आजकल गर्मियाँ अब स्टार्ट हुई हैं तो अब इसमें लीव्स निकलने शुरू होंगे, लेकिन आप देखें कि इसी के साइड में ये एक प्लांट निकला है और ये प्लांट बहुत ज़बरदस्त है और मुझे देख के भी अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं इस प्लांट को ना उखाड़ूँ, इसके लीव्स ऐसे ही रहने दूँ। और अब आप देखिए कि इसके अंदर कितने ज़बरदस्त ये लीव्स हैं और देखने में भी ये प्लांट बहुत अच्छा लग रहा है। और अब कुछ नहीं पता कि इसमें फ्लावर्स निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, लेकिन अगर नहीं भी निकलेंगे तो मैं इस प्लांट को एक पॉट में लगा दूँगी, इसकी ग्रीनरी तो इससे रहेगी। आप इसके लीव्स देखिए, कितने प्यारे से लीव्स हैं और देखने में अच्छे भी लग रहे हैं। अभी समझ में नहीं आ रहा मुझे कि ये किस चीज़ का प्लांट है। इसी तरह आप ये देखिए, ये प्लांट भी मेरे इसमें निकला था, उसमें मैंने वीडियो भी बनाई थी, ये है वाइल्ड पिटोनिया। ये प्लांट भी बड़ा ज़बरदस्त है, इसके अंदर मैंने छोटा सा था, मैंने इसको नहीं उखाड़ा, जब ये बड़ा हुआ तो इसके अंदर फ्लावर्स निकले जो पिटोनिया की तरह थे, तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तो वाइल्ड पिटोनिया का प्लांट है। और अब मेरे हर पॉट के अंदर ये निकल रहा है तो मैं चेक पहचान गई हूँ, तो मैं नहीं निकालती। तो देखिए, इस तरह से हमें एक प्लांट मिल गया कितना अच्छा सा, और मैंने लगाया भी नहीं है और हमें मिल गया। इसी तरह मेरे पॉट में ये भी निकला। अब देखें, कुछ तो मैं पहचान रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा कि ये काफ़ी बड़ा सा दरख्त हो जाता है और इसमें फ्लावर्स निकलते हैं, लेकिन इतना क्यूट से इसके पत्ते लग रहे हैं कि मैंने अभी नहीं निकाला है। हो सकता है मैं नहीं पहचान पा रही हूँ और इसके अंदर कोई ज़बरदस्त से फ्लावर्स निकल आए। तो इस तरह से देखें आप, तीन चार प्लांट तो मेरे ऐसे हो गए। इसी तरह आप ये देखिए, ये जो फ्लावरिंग प्लांट आप देख रहे हैं ये भी मेरे इसके अंदर निकला था और मैंने इसको अपने दूसरे पॉट से निकाल के इसमें लगाया और ये बड़ा ज़बरदस्त है। और अभी मेरी समझ में नहीं आ रहा कि किस चीज़ का प्लांट है। अब देखिए, फ्लावर्स तो बड़े ही प्यारे हैं, अगर आप पहचानते हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इसलिए कि फ्लावरिंग प्लांट बहुत ज़्यादा मैं नहीं लगाती, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा प्लांट्स के बारे में ऐसा सच पता नहीं है बहुत ज़्यादा। कुछ तो मैं बचा लेती हूँ जो बड़े कॉमन से हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं, चेंज से होते हैं और उनकी वैरायटीज़ होती है, तो वो मुझे इतनी समझ में नहीं आते। तो ये भी बड़ा प्यारा है और मैंने इसको भी नहीं उखाड़ा है। अब देखिए, कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स निकलने शुरू हो गए और अब मैं इनको दूसरे पॉट में लगाऊंगी। इसी तरह मैं आपको दिखाती हूँ कि अब आप देखिए कि मेरे इसके अंदर भी देखें आप, ये फ्लावर्स, ये एक प्लांट निकला है और बड़ा ही क्यूट सा ये प्लांट है। ये देखें आप, ये जो अब आप देखें, इसके लीव्स जो हैं बड़े क्यूट से हैं और अभी मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सा है, ये कॉसमोस का है या देखिए सीड गिरे थे तो पहले तो बिल्कुल आम से प्लांट लगे, मैंने कहा ऐसा ना हो कि ये जंगलियों में उखाड़ के फेंक देती हूँ, लेकिन अब देखिए इसके लीव्स बड़े ही प्यारे हैं तो मैं इसको भी नहीं उखाड़ रही हूँ। इस तरह से गमलों के साइड में बहुत सारे हमारे प्लांट निकल आते हैं और हम उनको अमूमन उखाड़ के फेंकते हैं, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। मैं आपको बहुत से और प्लांट दिखाती हूँ, चलिए मैं आपको वहाँ लेके चलती हूँ और भी आपको दिखाती हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्लांट्स निकलते हैं जो मैं नहीं उखाड़ती।
ये देखिए, ये वाला प्लांट भी मैंने आपको पहले दिखाया था, बहुत पहले, कि मेरे प्लांट में साइड में निकल आया था. और अब देखिए इसके अंदर कितनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है. तो ये भी मेरे प्लांट के साइड में निकला था और मैंने इसको नहीं उखाड़ा. और अब देखिए कि ये प्लांट भी मेरे पास तैयार हो गया. अब इसके सीड भी मैं दूसरे अपने सारे प्लांटर्स में लगा दूँगी. बिल्कुल इसी तरह अब आप देखिए कि मेरा ये प्लांट है और इसके साइड पर भी ये प्लांट निकल रहा है. और कितना खूबसूरत प्लांट है. तो ये भी मैंने बढ़ने दिया है. शुरू शुरू में अंदाज़ा नहीं होता क्योंकि सारे एक जैसे लगते हैं, लेकिन ऐसा ऐसा हमें अंदाज़ा हो जाता है. और कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था मैंने पिंक रंग के फ्लावर्स मेरे ही देखिए पिंक रंग के खिल रहे हैं, बड़े क्यूट से खिल रहे हैं. और ये प्लांट मेरा इधर रखा हुआ था, बाकी मैंने आपको दिखा दिया था, ये रह गया था. तो इसमें देखिए फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है. अच्छा, मैं आपको बात करी थी इसकी, इसी तरह मैं आपको एक और दिखाती हूँ. अब आप ये देखिए, ये भी मैंने सीड से लगाए हैं, ये जाफरी के प्लांट. जब मैंने सीड से लगाए तो उसके बाद ये साइड में ये प्लांट निकला. मैंने इसको लगाया दिया, मैंने कहा ये तो बड़े प्यारे लीव्स लग रहे हैं इसके भी. ये कौन सा प्लांट है? मुख्तलिफ प्लांट्स के बारे में समझ में आता रहा, शायद ये वाला है, शायद ये वाला है. लेकिन आप देखिए इसके अंदर से कुछ वाइन टाइप की निकल रही है, ये बेल निकल रही है. और अभी तक जब तक फ्लावर्स नहीं खिलेंगे मुझे इसका अंदाज़ा नहीं होगा. तो देखिए दो तीन तरफ से इसके ये पतली पतली सी इसके पकड़ने के लिए जो वाइन पे होती है ये निकल रही है. तो इस तरह से मुफ्त में हमें इतने सारे प्लांट्स मिल जाते हैं. आप भी इसी तरह करें कि चेक करें. अच्छा, मैंने आपको बताया था कि मेरे पास जो प्लांट है एस्पेरिगस वन की जो वाइन है वो ऐसे ही मुझे मिली थी. गार्डन में घूमते हुए मुझे अचानक से दिखाई दिया और मैंने जो है वो उसको उखाड़ के अपने प्लांट में लगाया कि ये तो घास बिल्कुल चेंज सी है. और आप देखें कि वो कितनी ज़बरदस्त वाइन बन गई है. और वैसे मैं दिखाती रहती हूँ, चलिए मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ. बड़ी ज़बरदस्त सी वो वाइन बन गई है और बड़ी प्यारी आजकल लग रही है वो. ये देखिए ये वाइन है जो मैं आपको अक्सर दिखाती हूँ और अब बहुत ही प्यारी हो चुकी है. वो देखिए कहाँ से कहाँ तक चली गई है. तो ये भी मुझे बस मुझे गॉड गिफ्टेड है कि मुझे मिल गई और मैंने बस उसको देख के उखाड़ के लगा लिया. और अब देखिए कितनी ज़बरदस्त ये वाइन हो चुकी है, बहुत लंबी यहाँ से वहाँ तक जा रही है और छोटे छोटे पॉट में लगी हुई है. आइए मैं आपको और जगह लेके चलती हूँ, वहाँ भी मैं आपको दिखाती हूँ. ये देखिए एक मेरे पॉट में जो प्लांट है, ये जो आपको मैंने बताया था कि मेरे पास ये पॉइंसेटिया का प्लांट है और इसमें बड़ी ज़बरदस्त फ्लावरिंग भी होती है, ये प्लांट भी मुझे ऐसा ही मिला था. ये मैंने लगाया नहीं था, मुझे एक जगह दिखाई दिया तो मुझे बड़ा प्यारा लगा और मैंने को लगाया तो ये पॉइंसेटिया का है. और इतनी ज़बरदस्त इसमें बड़े बड़े हो जाते हैं और इसके बड़े खूबसूरत फ्लावर्स खिलते हैं. चूँकि अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, अब इसके अंदर फ्लावरिंग होगी, जो मैंने कुछ कटिंग भी कर दी है और इसके अंदर मैंने रहने दिया है. काफ़ी लंबा सा है, मैंने कहा चले बाद में इसको भी उखाड़ दूँगी, इसलिए उसके बहुत सारे बेबीज़, अब देखिए सारे इसके बेबीज़ इसके अंदर निकल रहे हैं और ये खुद ही खुद निकलते रहते हैं सारे, देखिए. और ये पॉट भी मेरा खाली हो गया, लेकिन अभी मैंने टच नहीं किया, कुछ नहीं हटाया, इसलिए कि कुछ नए प्लांट्स इसमें निकल रहे हैं. इसी तरह आप देखिए ये वाला प्लांट भी मेरे इसके अंदर निकला है और काफ़ी लंबे लंबे से लीव्स हैं. कुछ कुछ शक हो रहा है इस पर प्लांट के बारे में, लेकिन चलिए थोड़ा और बड़ा होने दें फिर पता चलेगा. तो ये भी देखें इसी के अंदर निकला है. इसी तरह मैं आपको बताऊँ, मेरे पास एक बड़ा खूबसूरत सा प्लांट निकला, मैंने उसको नहीं उखाड़ा और छोटा सा था बिल्कुल. तो मुझे कुछ चेंज सा लगा जब मैंने नहीं उखाड़ा तो वो बड़ा हुआ, थोड़ा सा जब बड़ा हुआ तो अंदाज़ा हुआ मुझे कि वो तो एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लांट है. चलिए मैं आपको दिखाती हूँ. ये देखिए इतना क्यूट सा प्लांट है और इसका भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा. ये देखिए इसके लीव्स कितने क्यूट हैं, कितने लंबे लंबे से हैं. और ये निकला, ये मैंने पानी में ग्रो किए थे पुदीना और उसके बाद मैंने यहाँ पर लगाया था ये पुदीना. और मैंने उसको अभी यहाँ नहीं लगाया है. किसी ने मुझसे क्वेश्चन ही पूछा था कि क्या आप लगा दें. देखिए मेरा इतना बड़ा हो गया है, अब मैं इसको जहाँ ट्रांसफ़र करना चाहेगा करूँगी. तो इसी के साइड में ये प्लांट निकला और अब देखिए बड़ा क्यूट सा नीचे से निकल रहा है और अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सा प्लांट है. मैंने तो कोई भी प्लांट नहीं लगाया ऐसा, इसके लीव्स ऐसे हों, लेकिन देखिए कितना प्यारा है. और मैंने इसको अब बढ़ने के लिए छोड़ दिया इसी के अंदर. इसी तरह पता है कभी कभी क्या होता है, कभी कभी होता है कि हम अपने गार्डन में घूम रहे होते हैं, हमें चेक ज़रूर करना चाहिए. तो आप देखें मैं ऐसे ही आज अपना पॉट एक साफ़ कर रही थी, उसमें पौधे ख़त्म हो गए थे तो मैंने देखा, ये देखिए आप कुछ कचरा दिखेगा लेकिन इसी कचरे में देखिए आप ये क्या है. ये देखिए ये है अडेनियम के सीड, ये कहीं से उड़ता हुआ आया और ये देखिए आप अडेनियम का सीड. तो हमें बहुत
देखना पड़ता है। बाजू का बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हमारे गार्डन में आ जाती हैं हवा के ज़रिए। ये देखिए, ये है एडेनियम का सीड, ये देख रहे हैं आप, ये एडेनियम का सीड है। और अब मुझे इसी से मैं ग्रो करूँगी। और यकीन जानिए, मैंने बहुत सारे एडेनियम के सीड जमा कर लिए, मुझे अक्सर उड़ते हुए मिल जाते हैं। हालांकि मेरे घर में एडेनियम का प्लांट में अभी सीडिंग नहीं हुई है, सीड्स नहीं बने हैं, मतलब सीड नहीं बने हैं, लेकिन ये देखिए आप, कहीं से उड़ के आया। और इसी तरह एक गिर गया था तो खुद ब खुद एडेनियम का प्लांट निकल भी आया है, वो भी कभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से बहुत सारे प्लांट्स हमारे पॉट में खुद ही निकल आते हैं, तो उसको बिल्कुल नहीं उखाड़ना चाहिए और चेक करना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसलिए थोड़ा चेंज सी है, इसलिए मुझे बस ख्याल आया, मैंने कहा आप लोगों को ज़रूर बताऊं। आप सब लोगों को इतना शौक़ है और प्लांट्स का, और आप लोग कटिंग के बारे में परेशान रहते हैं कि हम किस तरह ग्रो करें, क्या करें, तो इस तरह के छोटे छोटे प्लांट्स बाज़ अवकात खुद ही निकलते हैं। और हम उन्हीं प्लांट्स को अगर देखें तो वो बड़े प्यारे से होते हैं, और बाज़ अवकात वो हमारे किसी न किसी फ्लावरिंग प्लांट्स, कोई कोई फ्लावरिंग प्लांट ही होता है जिसका हमें अंदाज़ा नहीं होता, बाद में अंदाज़ा हो जाता है। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।